बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़राने ग्रामी। नाज़राने ग्रामी, आज की इस वीडियो के अंदर में एक अजीम जंगजू जिनका नाम बमसी बेबरिक है, उनके बारे में बताने वाले आपकी मौत कब, कैसे और किसके हाथों से हुई। बमसी बेबरिक अर्तुगरुल गाजी के एक वफादार दोस्त और अजीम जंगजू थे, जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी सारी ज़िंदगी जिहाद में सर्फ कर दी और अपने अजीम सरदार अर्तुगरुल गाजी के एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने से कभी भी दरेग ना किया। मुतद्दिद बार मैदान जंग के अंदर बमसी लड़ते लड़ते मौत के मुंह में चले जाते थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो वहाँ से बच निकलते थे। बमसी बेबरिक को अपनी तलवारों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और उनके मुताबिक उनकी तलवारें ही उनकी महबूबा हैं। इसके अलावा आप खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। आप खाने पीने के इस कदर शौकीन थे कि कच्चा गोश्त तक खा जाते थे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर अर्तुगरुल गाजी के हवाले से अभी सीरीज़ ऑफ वीडियोस अपलोड होना बाकी हैं। बमसी की शादी एक ईसाई लड़की हेलिना शहजादी के साथ होती है, जिसकी वो जान बचाते हैं और बाद में उनको इनके साथ प्यार हो जाता है और बाद में वो इनके साथ शादी कर लेती हैं। बमसी ने मैदान जंग और हर महाज के ऊपर अर्तुगरुल गाजी का साथ दी। जब भी बमसी, अर्तुगरुल गाजी, दुआन अलप और तुर्गत अलप एक साथ इकट्ठे लड़ते थे तो बड़े बड़े दुश्मनों का वहाँ से बच निकलना नामुमकिन हो जाता था और तमाम के तमाम कफार को वो जहन्नम वासिल करके ही दम लेते थे। बमसी ने सलेबियों और मंगोलों के खिलाफ सारी ज़िंदगी जहाद कर अर्तुगरुल गाजी के 5 सीज़न मुकम्मल होने के बाद जब आपके बेटे उस्मान गाजी का दूसरा सीज़न शुरू होगा तो इस सीज़न के स्टार्ट में ही बमसी की मौत वाक़ हो जाएगी। अभी हम बताते हैं कि क्या बमसी की मौत किसी जंग में होती है या अर्तुगरुल गाजी की तरह आपकी मौत किसी बीमारी की वजह से होती है। उस्मान गाजी के सीज़न 2 में आप देखेंगे कि बमसी अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी को एक गार में ले जाते हैं, जहां पर वो अर्तुगरुल गाजी के राज उस्मान गाजी को दे रहे होते हैं, तो इतनी ही देर में दुश्मनों की तरफ से आप लोगों का कर दिया जाता है। ये हमला पेट्रोस की जानब से किया जाता है। पेट्रोस भी अर्तुगरुल गाजी के राज हासिल करना चाहता है। इस हमले के नतीजे में उस्मान गाजी और बमसी वहां बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं और इस दौरान बमसी काफ़ी ज़्यादा दुश्मनों को जहन्नम वासिल कर देता है। लिहाजा इसी हमले की मद में आप काफ़ी ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए आप इसी हमले की मद में शहीद हो जाते हैं। बमसी के मरने से कबल ये अल्फाज होते हैं, अब चुके हो बमसी, अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। अर्तुगरुल भाई भी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। सो इन अल्फाज के बाद बमसी की शहादत हो जाती है और इस तरह से ये एक अजीम जंगजू इस फानी दुनिया से कूच कर जाता है। दोस्तों, उम्मीद है ये आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको याद जाते हुए लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर अभी वीडियोज़ की सीरीज़ आना बाकी।